स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर टू, चैप्टर वन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर टू, नाम क्या है चैप्टर टू का? द फ्रेंडली मंगूज। बुक, सेम बुक हमने ली है, अ पैक्ट विद द सन। तो आज हम चैप्टर टू पढ़ेंगे, फ्रेंडली मंगूज। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है चैप्टर टू, फ्रेंडली मंगूज। फ्रेंडली मीन्स होता है मिलनसार, मिलनसार, ठीक है। मंगूज, मंगूज बोलते हैं हम नेवले को। नेवला जो होता है वो मंगूज होता है, ठीक है। ये रहा है मंगूज। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये प्रीव्यू है। A farmer and his wife and their small child live in a village. एक farmer और उसकी wife and their उनका एक small child, छोटा बच्चे कहाँ रहते थे? Lived in village. Village means गाँव, ठीक है। There was also a baby mongoose. Baby mongoose का मतलब है मंगूस जो होते हैं ना, वो बच्चा, मंगूस का बच्चा। वहाँ उनके संग और क्या रहता था? एक मंगूस का बच्चा रहता था इन द हाउस, उनके घर में। हु दे बिलीव्ड, जिसको वह सोचते थे वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। वो सोचते थे क्या होगा, जो बेबी मंगूस है वो क्या होगा, उनके सन का कंपेनियन बन सकता है। कंपेनियन मतलब साथी, कंपेनियन मतलब साथी, साथी, फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड इन इज नियर, फ्रेंड इन द फ्यूचर। आगे वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ, फार्मर और उसकी वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ कहीं चले जाते हैं अपने बच्चे को मंगूस के साथ छोड़ के, ठीक है। ये प्रीव्यू है, आप डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है स्टोरी। यहाँ से स्टार्ट है हमारी स्टोरी। क्या लिखा है? वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। यही बताया था पीछे भी। एक फार्मर और उसकी वाइफ, वाइफ पत्नी को बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं किसान, किसान। कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे और उनका बच्चा रहता था। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पैट, मस्ट हैव, वो सोचते थे कि हमारे पास एक पैट होना बहुत ज़रूरी है। पैट पालतू जानवर को बोलते हैं। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से बोलता है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, ग्रोज अप मीन्स बड़ा होना, बड़ा होना, ही विल नीड अ कंपेनियन। नीड मीन्स ज़रूरत, उसको किसकी ज़रूरत होगी? कंपेनियन की। कंपेनियन मैंने आपको बता दिया ऊपर, कंपेनियन मीन्स साथी। दिस पैट विल बी आर सन्स कंपेनियन, बोलते हैं कि ये जो पैट है वो हमारे सन का कंपेनियन बन सकता है। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ ने वो आइडिया पसंद करा, उसको अच्छा लगा। लाइक मीन्स पसंद करना, उसको आइडिया अच्छा लगा। फिर आगे, वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस, एक शाम को, इवनिंग शाम, एक शाम को क्या, जो फार्मर है वो अपने साथ क्या लाता है? ब्रॉट मीन्स लाना, ब्रॉट इज पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग, ठीक है। ब्रॉट विद हिम अ टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा, क्या लाता है? एक छोटा मंगूज लेकर आते हैं, नेवले को लेकर आते हैं। इट्स अ बेबी मंगूज, ये बच्चा मंगूज है। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने बोला कि ये तो बच्चा है, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, बट नियर फ्यूचर वो बड़ा हो जाएगा। फुल्ली ग्रोन मतलब अडल्ट हो जाना, बड़ा होना, ठीक है, बड़ा होना।
ही विल बी अ फ्रेंड टू आर सन. ही विल बी, फिर बोलते हैं ये जब बड़ा हो जाएगा फिर हमारे जो बच्चा है उसका फ्रेंड बनेगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज. फिर लिखा है बोथ. बोथ मीन्स दोनों. एक मिनट, फिर बोलते बोथ, दोनों बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रो. ग्रो वही ग्रो का वी थ्री है, पास्ट फॉर्म है ग्रो. दोनों क्या हो गए, दोनों बड़े हो गए. इन फाइव और सिक्स मंथ्स, मंथ्स महीने को बोलते हैं. इन पाँच और छः महीने में क्या, वो दोनों बड़े हो गए थे, ठीक ठाक हो गए थे. और द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज़, और जो मंगूज था वो अपने पूरे साइज़ में आ चुका था. अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुशी टेल. शाइनिंग मीन्स चमकदार, और बुशी मीन्स घनी. बुशी टेल बना ना भुनी, सॉरी बुशी टेल घनी पूंछ. ठीक है, द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल. बट उनका जो बच्चा था वो अभी क्या था, अभी भी क्या था, मतलब इतना ग्रो नहीं हो पाया. ग्रो हो गया था बट इतना ग्रो नहीं हुआ हो पाया था कि वो कुछ चलने फिरने लगे. वो अभी भी कहाँ था, वो अभी भी पालने में था. क्रैडल पालने को बोलते हैं, पालना. ठीक है, फिर स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली. स्लीपिंग सोना, क्राई रोना, मतलब सोता था रोता था. अल्टरनेटिवली मीन्स एक एक करके, कभी रोता था कभी सोता था. ठीक है, अल्टरनेटिवली यहाँ लिख देती हूँ मैं बारी बारी से. बारी बारी से आगे. वन डे, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ मैं पेन का कलर. हाँ, वन डे एक दिन द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट. जो फार्मर की वाइफ थी उसको कहाँ जाना था, मार्केट जाना था. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल. फिर क्या करती है वो जो जो उसकी वाइफ होती है फार्मर की, अपने बच्चे को खाना खिलाती है. फेड मीन्स खिलाना, मीन्स उसने खाना खिलाया. फैट जो है पास्ट फॉर्म है किसकी, फीड की. फीड फैट फेड है ना. द बेबी एंड अपने बच्चे को खाना खिलाया. रॉक्ड हिम टू स्लीप. रॉक्ड मीन्स बच्चों को खिलाते हैं ना गोद में, ऐसे आगे पीछे झुलाते रहते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं. ठीक है, रॉक्ड यहाँ पर लिखा है पास्ट में, इसलिए मीन्स गोद में झुलाना. जो सुलाने के लिए ऐसे झुलाते हैं ना बच्चों को, उसको रॉक बोलते हैं. उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया खिलाया और क्या करा, सुला दिया. इन हिज लिटिल क्रैडल, उसका जो क्रैडल था उसमें. पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट उठाते हुए. शी सैड टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से बोलती है. आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ. द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, ये देखो कीप एन आई ऑन हिम का मतलब क्या होता है, मीन्स ध्यान देना, नज़र रखना, ध्यान रखना या फिर नज़र रखना. वो जाते जाते अपने हस्बैंड को बता के जाती है कि बच्चा सो रहा है, आप उसका ध्यान रखना. आगे, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. वो कहती है कि वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेला छोड़ के जाऊँ, तो आप ध्यान रखना. फ्रेंकली मीन्स डायरेक्टली बोलती है, स्पष्ट रूप से बोलती है, घुमा फिरा के नहीं बोलना, उस स्पष्ट बोलने को बोलते हैं फ्रेंकली. स्पष्ट रूप से बोलना फ्रेंकली. यू नी नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है. सैड द फार्मर, फार्मर बोलता है. द मंगूज इज़ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज है वो क्या है, फ्रेंडली एनिमल है. मीन्स
मिलनसार एनिमल है, दोस्त की तरह है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, वो जैसे हमारा बच्चा स्वीट है वैसे ही वो भी स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वो एक अच्छा फ्रेंड है, यू नो, तुम्हें पता है। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन हिज हाउस, और फार्मर के पास उसके घर में करने के लिए कुछ नहीं होता, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड। तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो जाकर अपने फील्ड को देखे, नॉट फार अवे, बट ज़्यादा दूर ना जाए। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, तो जब वो वापस बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, पहले जाता है वो अपना फील्ड को देखने के लिए, बट वो सोचता है कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। फिर जब वो वापस आ रहा होता है क्या वे बैक, तो उसको क्या होता है, वो थोड़े अपने फ्रेंड से मिलता है, बट थोड़ा सा उसको लेट हो जाता है आते आते। ठीक है, आगे एक मिनट, आगे क्या होता है, आगे द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। जब उसकी वाइफ अपनी शॉपिंग फिनिश करके वापस आती है क्या लेकर आती है, जो ग्रॉसरीज लेकर आती है। ग्रॉसरीज क्या होते हैं, जो किराना का सामान होता है ना, ग्रॉसरीज बोलते हैं उसे। वही कुछ हाउस होल्ड के सामान लेने के, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एक्सेट्रा, जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं वो उसको ग्रॉसरीज बोलते हैं। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, तो वो क्या देखती है, मंगूज जो है वो बाहर बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसका वेट कर रहा होगा। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, जैसे ही वो देखता है कि वो फार्मर की वाइफ आ गई है तो उसको वेलकम करने के लिए आगे बढ़ता है। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी मीन्स हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, तो जब जो फार्मर की वाइफ होती है वो देखती है मंगूज की तरफ देखती है तो चिल्लाने लग जाती है। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना। ठीक है, वो एकदम से क्यों चिल्लाती है, वो चिल्लाती है ब्लड, ब्लड मीन्स खून। शी क्राइड, वो रोने लगती है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद द ब्लड, फेस एंड पॉ, फेस पता है चेहरा, पॉज मीन्स होते हैं पंजे, और स्मीयर मीन्स होता है लिप्त होना, सना होना किसी चीज़ में, लिप्त या सना होना किसी चीज़ से। तो देखती है एकदम से वो चिल्लाती है ब्लड, वो रोने लगती है और देखती है कि जो मंगूज होता है, जो मंगूज होता है उसका फेस और जो उसके पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड में बिल्कुल ऐसे सने होते हैं। यू विक्ट एनिमल, वो उसको बोलती है, विक्ट मीन्स शैतान, शैतान धूर्त कुछ भी बोलो उसको बोलती है। यू विक्ट एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, उसको लगता है, वो फिर बोलती है कि यू विक्ट एनिमल, शैतान जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड, वही स्क्रीम्ड चिल्लाना, हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मीन्स पागलों के जैसा, पागलों जैसा, वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाते। शी वॉज ब्लाइंड विद रेग, शी वॉज ब्लाइंड विद रेग एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। वो ब्लाइंड मीन्स अंधा, रेग मीन्स गुस्सा, ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, ब्रॉट डाउन मीन्स मारना, दे मारना किसी चीज़ से, हैवी भारी पता है आपको, ग्रॉसरीज भी पता है आपको।
तो फिर वो क्या करती है, वो एकदम से गुस्से से बिल्कुल अंधी हो जाती है, वो बिल्कुल गुस्से से अंधी हो जाती है। तो जो ग्रॉसरीज होती है फुल, जो बास्केट होती है ग्रॉसरी की, वो क्या करती है, वो एकदम से उठाती है और क्या करती है, जो मंगूज़ होता है, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। तो क्या करती है, वो जो ग्रॉसरीज उठाती है बास्केट, ग्रॉसरी उठाती है बास्केट में जो होती है, वो क्या करती है, जो मंगूज होता है खून में सना हुआ उसके ऊपर दे मारती है और क्या करती है, अंदर भागती है एकदम से। रैन इनसाइड मीन्स रैन, रन मीन्स भागना, इनसाइड मीन्स अंदर, टू द चाइल्ड्स क्रेडल बच्चे के पालने की तरफ भागती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद, क्या चीज़, गहरी नींद। जो बच्चा होता है वो क्या हो रहा होता है, वो तो गहरी नींद में सोया होता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, पर वो साइड में देखते हैं, यहाँ पर देखो ये वहाँ देखती है जो एक काल, वो दूसरी तरफ क्या देखती है, जो फ्लोर पे है एक काला ऐसे सांप लेटा हुआ है, वो भी क्या बिल्कुल ब्लीडिंग है, मतलब ऐसे कटा बटा सा है पड़ा हुआ है और ब्लीड कर रहा है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, तो एकदम से उसको ध्यान आता है कि मतलब वो सोच ये सब सीन देखकर उसको लगता है, फिर एक्चुअली में उसको रियलाइज़ होता है कि सच में क्या हुआ होगा, जो उसने सोचा होता है वैसा नहीं हुआ होता। वो स्नेक को देख कर समझ जाती है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, जो ब्लड लगा हुआ था मंगूस के फेस पे और पंजों पे वो किसका था, वो इस स्नेक का था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, फिर वो एकदम से बाहर भागती है मंगूस को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तो फिर अब रिग्रेट होने लगता है उसको, फिर वो उसको बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, फिर वो मंगूस को ऐसे टच करते हुए ये सब चीज़ें बोलती हैं कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा और मैंने क्या कर दिया। हु ले डेड एंड स्टिल, वो क्या हुआ, लेटा हुआ था अनवेयर ऑफ हर सॉबिंग, तो उसको तो कोई ख्याल नहीं है, वो भी डेड हो चुका था उसकी, इस वजह से वो जो उसने ग्रॉसरी जो बास्केट उसकी मारी थी उस वजह से, तो उसको कुछ नहीं पता था। वो सॉबिंग मतलब क्या होता है, रोना, वो बिल्कुल अनजान था उसके रोने से और उसके रिग्रेट से। द फार्मर्स वाइफ, तो फार्मर की वाइफ, हु हैड एक्ट हैस्टली, हैस्टली बताया था बिल्कुल जो मूर्ख जैसे पागल जैसे जिसने बिहेव करा था, एंड रैशली बहुत क्रूर तरीके से, स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूस, बहुत देर तक वो ऐसे डेड मंगूस की तरफ देखती रहती है। उसको रियलाइज हो चुका होता है कि उसने जो सोचा जो करा वो गलत था। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर वो बच्चे का रोने की आवाज़ सुनती है। वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग मीन्स पोंछते हुए, टीयर्स मीन्स आंसू, तो अपने आंसू पोंछते हुए अंदर जाती है। शी वेंट इन टू फीड हिम, तो भागते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए जाती है अंदर और क्या करती है, उसको खाना खिलाती है। ठीक है, ये स्टोरी अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की स्टोरी है। तो हमारी यहाँ पे स्टोरी फिनिश होती है। लास्ट में देखो, लास्ट में ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वो जाती है ना, जाती है तो अपने हस्बैंड को बोल के जाती है कीप आई ऑन द बेबी, उसको पहले से वो बोलती है कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा कि मैं मंगूस के संग अपने बेबी को अकेले छोड़ के जा रही हूँ। बट वो चली जाती है, फिर चली जाती है तो फिर जब आती है तो वो बिल्कुल ऐसे सना हुआ देखती है, सना हुआ देखती है तो बिल्कुल हैस्टली मतलब पागलों की तरह बिहेव करती है वो, तो उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे बच्चे को खा गया, उसने मेरे बच्चे को मार दिया, तो वो वही बास्केट उठाकर उसके मार देती है। जब अंदर भाग के जाती है तो फिर उसको पता चलता है नहीं, ये उसने तो उसके बेबी को सेव करा है। तो यहाँ पे जो ये लेडी है उसने क्या करा, बहुत हरी में अपना डिसीज़न लिया, तो बिल्कुल ऐसे हरी में अपना डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। बेशक उसको दिखा तो उसको पहले सोचना चाहिए था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको पहले जानना चाहिए था फिर कोई एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी गलती कर देती है जिस वजह से वो मंगूस मर जाता है। और एक और चीज़, तो ये अपने हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई थी, उसके हस्बैंड ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई। अगर वो हस्बैंड यहाँ होता घर पे तो वो बेबी को भी सेव कर लेता स्नेक से और मंगूस की भी डेथ नहीं होती।
ठीक है, एक्शन हमें बहुत हरी में नहीं लेना चाहिए, तो हमें पहले जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो वही सच हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इस लेडी ने गलती कर दी थी, एक्चुअल में क्या करा था, मंगूस ने उसकी बेबी को सेव करा था, बट उसको गलत फहमी हो जाती है और उस गलत फहमी के चलते वो उस मंगूस को मार देती है, और हस्बैंड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी, है ना। ठीक है, तो हमारा चैप्टर तो यहीं फिनिश होता है। तो ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस। तो जो फार्मर होता है वो बेबी मंगूस को क्यों लाया होता है। द फार्मर हैड अ स्मॉल सन, फार्मर का एक बच्चा होता है, ही वॉन्टेड टू हैव अ पैट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड। वो जो पैट लाया था वो किस लाया था, अपने बेबी को कंपनी देने के लिए, कंपनी मीन्स साथ। सो ही ब्रॉट होम अ बेबी मंगूस टू प्ले विद द चाइल्ड। तो अपने जो घर पे है वो एक बेबी मंगूस लाता है अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए, ताकि वो उसका फ्रेंड बन सके, उसका कंपेनियन बन सके, उसका उसको कंपनी दे सके, उसके साथ खेल सके, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस। वो क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन हर पेट मंगूस। हाँ हाँ, एक और चीज़ वहाँ पे क्या था स्टोरी में, थोड़ा ट्रस्ट इशू भी था, है ना। वो बेशक वो उसका पेट था, बट उसको उसका ट्रस्ट लेवल जो था उसके लिए क्या था, कम था। तो यहाँ पे वही है कि उसको जो ट्रस्ट नहीं था, इवन जो मंगूस था उसका पेट था। शी डिडंट वॉन्ट टू लीव हर सेल्फ अलोन विद एन एनिमल। वो एक एनिमल था और ऊपर से वो एक मंगूस था, तो थोड़ा सा उसको ट्रस्ट इशू था मंगूस पे, इसलिए वो थोड़ा घबरा रही थी अपने बेबी को मंगूस के संग छोड़ने के लिए। इसी वजह से ट्रस्ट इशू की वजह से तो वो एकदम से रिएक्ट कर जाती है, उसको लगता है कि मंगूस ने उसके बेबी को खा लिया है, मार दिया है, तो इसलिए वो उसको किल कर देती है। थर्ड, व्हाट वाज अ फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर। तो फार्मर क्या बोलते जब उस वाइफ थोड़ा घबरा रही होती है। द फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाई हिज वाइफ वाज अफ्रेड ऑफ लीविंग द बेबी अलोन विद द मंगूस। उसका पति जो फार्मर होता है वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ क्यों घबरा रही है मंगूस के संग अपने बेबी को छोड़ने के लिए। देयरफॉर इसीलिए ही ट्राई टू रिमूव हर फियर, इसलिए वो उसका डर भगाना चाहता था। ही सैड दैट, वो बोलता है द मंगूस वॉज फ्रेंडली एनिमल। मंगूस एक फ्रेंडली एनिमल है, मिलनसार है, दोस्त काइंड है, वो इतना ही स्वीट है, स्वीट और जेंटल है जैसे हमारा खुद का बेबी, ठीक है। तो उसको वो समझाने के लिए ये सब चीज़ें बोलते हैं कि वो उसकी वाइफ घबराए ना। फोर्थ, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट। क्यों वो मारती है, स्ट्राइक मारना, क्यों मारती है वो मंगूस को उसकी बास्केट से। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम विद अ हैवी बास्केट। जब वो जो फार्मर की वाइफ है, जब वो हैवी बास्केट लेकर, ग्रॉसरी लेकर मार्केट से वापस आती है, शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस। ऐसे में कोई भी घबरा जाएगा, जैसे उसने देखा, उसको पहले ही थोड़ा सा ट्रस्ट इशू था उसके संग, तो ट्रस्ट इशू होने के कारण तो उसने जो एकदम से उसके फेस पे और पंजे पे खून देखा, तो और उसका बेबी बहुत छोटा था, वो घबरा गई। शी हैड नो डाउट दैट मंगूस हैड किल्ड हर सन। उसको बिल्कुल कोई ऐसा डाउट नहीं था कि वो नहीं मार सकता, उसको लगा था उसने मार दिया। सो इन एंगर, तो इसलिए एंगर की वजह से शी हिट द एनिमल्स विद द बास्केट। तो इसलिए उसने, उसको क्या था, गुस्सा आया, उसने बास्केट उसको दे मारी। द पुअर मंगूस डाइड ऑन द स्पॉट। तो जो मंगूस था, बेचारा मंगूस, वो वहीं पे मर गया। थोड़ा सा उसको गलत फहमी हो गई थी और थोड़ा सा उसको पहले से ही ट्रस्ट नहीं था, वो एनिमल था इसलिए उसको ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उससे ये सब स्टेप उठा लिए। डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन। क्या उसने जो हैस्टी एक्शन है, जो उसने एकदम से वो बिहेव करा आफ्टर सीइंग फेस ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, तो जो उसने करा, क्या उसका वो भरपाई कर सकती है या करा उसने। हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस। तो अपने जो पछतावा, तो उसने अपना पछतावा कैसे दिखाया। द फार्मर्स वाइफ सॉ स्नेक
स्नेक इन टू पीसेस. उसने देखा कि वो जो स्नेक पड़ा हुआ था ना ऐसे खून में लथपथ कटा हुआ सा, हर ओन सन वॉज सेफली असलीप, और उसका जो बच्चा है वो सेफली जो सो रखा था. शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसको अपने बिल्कुल रियलाइज़ हुआ एकदम से कि उसने तो गलती कर दी. शी फेल्ट वेरी सॉरी, उसको बहुत सॉरी फील हुआ, गिल्टी फील हुआ. शी टच द मंगूस एंड क्राइड, उसने मंगूस को टच करा और रोने लगी. शी सॉ द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हैस्टी एक्शन, तो वो उसको गिल्टी हो रहा था कि उसने जो एक्शन लिया उस पर. ठीक है, तो इसी तरीके से उसने अपना रिपीटेंस दिखाया. तो हमारा चैप्टर मंगूस, फ्रेंडली मंगूस, यहीं फिनिश होता है. ठीक है, तो हमारी वीडियो भी यहीं फिनिश होती है. थैंक यू.